कड़ाके की इस ठंड में सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। नया साल शुरू होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। पिछले साल खत्म हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। इस दौरान कई नेता खुश हुए तो कुछ नाराज। लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा दिनों का वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की नाराजगी दूर करने और लोकसभा चुनाव में पार्टी के सभी नेताओं का सपोर्ट पाकर जीत हासिल करने के लिए प्लान रेडी है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कई नए चेहरों को मैदान में उतारा। इसके साथ ही कई दिग्गज नेताओं को ना टिकट दिया, ना ही सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके चलते कुछ नेता नाराज हुए। अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी रूठे नेताओं को एकजुट करने के लिए प्लान रेडी कर लिया। बताया जा रहा है बीजेपी अगले कुछ महीनों के अंदर निगम मंडल और संसदीय सचिव की नियुक्तियां कर सकती है, जिनमें इन्हीं बचे नेताओं को मौका मिल सकता है। बीजेपी में निगम मंडल और संसदीय सचिव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी लोकसभा से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। कहा जा रहा है अब तक के पार्टी के निर्णय में जो जातिगत या क्षेत्रीय समीकरण छूट गए, उन्हें साधने के लिए पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। इन निगम मंडल और संसदीय सचिव की नियुक्तियों के साथ साथ संगठन में फेरबदल की भी खबरें हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल तीनों महामंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, जिसकी वजह से संगठन में पद खाली हो गए। ऐसे में संगठन में फेरबदल भी जल्दी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के भीतर निगम मंडल और संसदीय सचिव की नियुक्तियां होनी है। पार्टी के विश्वसनीय सूत्र कहते हैं संगठन ने 15 निगम मंडल के लिए नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश में 50 निगम मंडल और आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद तत्काल प्रभाव से कांग्रेस सरकार में 21 निगम मंडल, आयोग में अध्यक्ष समेत 32 नेताओं की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें 2018 में भूपेश सरकार बनने के बाद करीबन 1.5 साल बाद निगम मंडल में नियुक्ति हुई थी। जुलाई 2020 में 12 निगम मंडल के अध्यक्ष पूर्वी की कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। इसके बाद दिसंबर में संसदीय सचिव की नियुक्तियां की गई। पिछले चारों चुनाव को देखा जाए तो लगभग 1 साल के बाद ही निगम मंडल में नियुक्तियां होती रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी एक नया प्रयोग कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियां की जा सकती हैं। ऐसे कयास लगने शुरू भी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पीएम मोदी 5 जनवरी शुक्रवार को राजस्थान के दौरे पर हैं। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार वो पार्टी ऑफिस में बैठक करेंगे। दक्षिण के लिए भी बीजेपी ने अपने इरादों को मजबूत कर दिया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। बीजेपी के एक सीनियर नेता के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटें बरकरार रखने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है लोगों ने सिद्धारमैया सरकार पर जल्दी ही भरोसा खो दिया। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी का वोट शेयर नहीं गिरा। 2019 में तेलंगाना में 4 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। पार्टी का मानना है बीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के टूटने से सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, जिससे पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी के निशाने पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी है। पार्टी इन राज्यों में भी कुछ सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी की केरल में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी है। सीनियर लीडर ने बताया कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में दक्षिण पर खास जोर होगा। पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।